देखो तेरा बात करने वाला निकोसिया टाइगर्स वर्सेस नापा रॉयल किंग्स के बीच होने वाले आज के पहले ईसीएस सीजन मैच के बारे में। एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लाएगा, कौन कितने ओवर बॉलिंग करके देने वाला है, इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग इलेवन क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, दो से तीन रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मैच जीएल में पैसे कमाने में मदद करके दे पाएंगे। स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम में जीत सकती है, सभी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान दे रहा है, ये जब आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा, ये एक हमारे एनालिसिस बेस के 11 प्लेयर्स की टीम होगी। मान लो वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप पास जाने का, तो मुझे कोई भी चेंज करना होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं स्क्रीनशॉट के जरिए अपने अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पे 67,000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है। आप भी ज्वाइन हो जाना, इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपनी फाइनल टीम आपको भेज दूंगा, आप भी हमारी दी हुई टीम से खेल सकते हो। उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। देखो मान लो कि मैं YouTube पे कोई वीडियो नहीं बना पाऊंगा और अगर मैं उस मैच में भी अपने पैसे लगा रहूंगा ना, तो वो उस मैच की भी फाइनल टीम आपको आखिर के 5 मिनट में यहीं पे भेज दूंगा। उसके अलावा आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना जरूरी भी है, आसान भी है और एकदम फ्री भी रहने वाला है, तो फ्री की चीज़ को बिल्कुल ही मिस मत करना। हजारों में लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आप हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे होगे ना, उसी वीडियो के टाइटल को आप क्लिक करोगे या फिर टच करोगे, आप सीधे सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, सबसे ऊपर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक को क्लिक करोगे या फिर टच करोगे, आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को पहुंच जाओगे। ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक को क्लिक करोगे ना, आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से फ्री में ज्वाइन हो जाना। आगे वाले मैचेस को मैं यहीं पर कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको कहूंगा नापा रॉयल किंग्स की टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा। नापा रॉयल किंग्स की टीम ने इस सीजन में अपने आखिरी के जो अपने 5 मैचेस खेल रखे हैं, उसमें से 4 मैच जीत करके रही, 1 मैच अपना हार करके आ रही है। वहीं निकोसिया टाइगर्स का भी सेम वही है, 5 आखिरी के मैचेस खेला, 4 मैच जीत करके रही, 1 मैच अपना हार करके आ रही है। आमने सामने भी सीजन में 1 मैच हुआ इन दोनों टीमों का, वो मैच भी नापा रॉयल किंग्स की टीम जीत गई थी, यानी कि नापा रॉयल किंग्स की टीम ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। वहीं ये जो मैच होने वाला है आपको देखने को मिलने वाला लिमासोल के स्टेडियम के ऊपर जाकर, एवरेज स्कोर आपको 92 रन का देखने को मिला हुआ आखिरी के 5 मैचेस में, यानी कि कहीं ना कहीं शुरू के मैचेस में काफी हाई स्कोरिंग गेम हो रहे थे, लेकिन अब जो थोड़े से रस कम बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी बल्लेबाज जो बॉलर आपको दोनों को लेकर के चलना है, मेनली जो बल्लेबाज जो बॉलिंग दोनों चीज करके थे, यानी कि ऑलराउंडर्स को लेकर के चलना है। सबसे पहले जीशान महमूद, जिसने आखिरी मैच वापस से बॉलिंग कर रखा है। जीशान महमूद ने 1 नहीं 2 बार हमें कुबेरा के दो पिक में काफ़ी अच्छी विनिंग कराया हुआ, जहां पे 5 में से किसी एक प्लेयर को चूज करके सेम एक प्लेयर को पर आपको नॉर्थ फैंटेसी की तरफ पैसे लगाने होते। देख सकते हो 2 ओवर बॉलिंग पूरा के 1 विकेट भी मिला, बल्लेबाजी में भी एज अ ओपनर आकर के, बल्लेबाजी में भी एज अ ओपनर आकर के रन मार करके दिया हुआ। देखोगे यहाँ पर बल्लेबाजी बॉलिंग दोनों चीज़ से अच्छा किया, यहाँ पर भी बल्लेबाजी से अच्छा किया, यहाँ पर एक मैच में ये बल्लेबाजी से फ्लॉप गया, यहाँ पर भी अच्छा करके दिया हुआ है, यहाँ पर भी फ्लॉप गया, यहाँ पर भी अच्छा करके दिया हुआ है। यानी कि कोशिश यही करता है ना कि जीशान महमूद हर मैच चले, तो एज अ वीसी आपके लिए एक अच्छा प्लेयर रहने वाला है। कैप की चॉइस में थोड़ा सा दूर रखने को कह रहा हूँ, क्योंकि 100 पॉइंट्स के करीब आपको जल्दी दिला करके नहीं दे पा रहा है। एम इकराम, अगर इसको प्लेइंग 11 में खिला लिया जाए ना, तो बिना कुछ भी सोचे आपको अपनी स्मॉल लीग और जीएल सभी टीमों में लेकर के चलने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर ये खेलेगा तो बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आएगा, और अगर ये खेलेगा ना तो नापा रॉयल किंग्स की टीम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। देख सकते हो 3 मैचेस के बाद खेला हुआ है, 3 मैचेस में अच्छा करके आया हुआ है, कभी भी फ्लॉप हो ही नहीं रहा, बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आएगा, छक्के चौके मारने की पूरी कोशिश करता है। ए बाम बल्लेबाजी में 7 नंबर करीब आएगा, आर पहल बल्लेबाजी में 8वां नंबर करीब आएगा, एस रहमान बल्लेबाजी में 10वां नंबर करीब आएगा। तीनों में से कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं है, बिल्कुल भी स्मॉल लीग या फिर जीएल किसी भी टीम में लेकर के नहीं चलना है। बल्लेबाजी ऑप्शन है, सबसे पहले यहाँ से लेकर के चलूंगा आर मजुमदेर, जो कि बल्लेबाजी में टॉप ऑफ द पे आ जाएगा, 3रे पे आ जाएगा। देखो आखिरी मैच फ्लॉप हुआ, सभी लोग केवीसी बना रहे थे, मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि मजुमदेर को केवीसी की चॉइस से दूर रखना, क्योंकि आखिरी मैच इसने 1 ओवर में बॉलिंग नहीं कर रखा है नापा रॉयल किंग्स की टीम के खिलाफ। आखिरी के दोनों मैचेस का मिलाकर के इसने
एक ओवर भी बॉलिंग तो किया ही नहीं है, बल्लेबाजी में भी दोनों मैचेस में फ्लॉप हुआ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसने बल्लेबाजी में रन बनाया, यहाँ पर भी रन बनाया थोड़े से, यहाँ पर भी लगभग बल्लेबाजी से फ्लॉप गया, यहाँ पर भी बल्लेबाजी से सिर्फ 38 पॉइंट्स, यहाँ पर भी बल्लेबाजी से फ्लॉप गया। यानी कि सीजन में ना सिर्फ एक ही ऐसा मैच किया हुआ, पहला मैच लिमासोल क्वालिंदर्स के खिलाफ जहाँ पर आर मजुमदार ने 16 बॉल पर 32 रन बना करके तेजी से रन बना करके दिए थे, बाकी बचे हुए मैचेस सभी में फ्लॉप गया है, बाकी बचे हुए सभी मैचेस में बल्लेबाजी से फ्लॉप गया है। तो मैं आपको कहूँगा एज अ प्लेयर लेकर के चला केएफबीसी की चॉइस से दूर रखना, क्योंकि बल्लेबाजी में तो परफॉर्मेंस आपको कभी भी करके नहीं दे पा रहा और अब तो बॉलिंग भी नहीं कर रहा। आई जमन जो कि आपको एक से दो ओवर बॉलिंग ज़्यादातर मैचेस में पूरा कर रहा है, दो ओवर प्लस आपको बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आ जाएगा, क्योंकि मजुमदार जो है ना शुरू के मैचेस में ऐसा ओपनर आ रहा था, लेकिन अब जो है उसका इसका बल्लेबाजी क्रम आपको तीसरे नंबर पर कर दिया गया। आई जमन को है शुरू के मैचेस में कई बार तीसरे पर कई बार पाँचवें पर भेजा जा रहा था, लेकिन अब जो है आखिर के दो मैचेस से एज अ ओपनर भेजने लग गए। गणदीप सिंह हो गया बल्लेबाजी में आखिरी के मैचेस में, इसका बल्लेबाजी क्रम पाँचवें नंबर पे किया गया। बाकी के सिंह का भी बल्लेबाजी क्रम काफ़ी नीचे, जसदीप सिंह का भी काफ़ी नीचे, मजबूरी में जीत सिंह को लेकर के चलने का सोच रहा हूँ। अल्टरनेटिव ऑप्शन है सहरोन अहमद जो कि नापा रॉयल की टीम की ओर से, रॉयल किंग्स की टीम की ओर से बल्लेबाजी में तीसरे नंबर पर आएगा, प्लस आपको बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा करके देगा। कई बार एक ही ओवर कर रहा है, कई बार दो ओवर बॉलिंग पूरा भी कर दे रहा है, मेनली जो है एक ओवर बॉलिंग कर रहा है। और इस समय आपके लिए नापा रॉयल किंग्स की टीम का सबसे मेन बल्लेबाजों में से एक है, अगर आप फैंटेसी में अपनी टीम बना रहे हो तो ऐसा केवीसी आपके लिए नंबर वन चॉइस रहेगा, क्योंकि काफी अच्छा प्लेयर है। उसका वाई महमूदा कल के मैच हमें मिनी जीएल तक का वन करा करके दिया था, बहुत कम लोगों ने लिया था, 140 पॉइंट्स ला करके गया हुआ था, ऐसा वीसी हमने लिया हुआ था, और सहरोन अहमद को ऐसा कैप लिया था। परफॉर्मेंस भी आप दोनों का देख सकते हो। वाई महमूद जो कि बल्लेबाजी में भी आपको तीसरे नंबर पर फोर्थ नंबर पर आ जाएगा, ज्यादातर मैचेस में फोर्थ नंबर पर आएगा, प्लस आपको बॉलिंग से दो ओवर पूरा करके देगा। यानी कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज से पूरा बैकअप दे करके जाने वाला है। मान लो बल्लेबाजी से फ्लॉप भी हो गया तो बॉलिंग से आपको अच्छा करके दे सकता है, बॉलिंग से फ्लॉप हो गया तो बल्लेबाजी में आपको रन बना करके दे सकता है। हरदीप सिंह नापा रॉयल किंग्स की टीम से कप्तानी कर रहा है, बल्लेबाजी में पांचवें नंबर पर आ रहा है, कई बार फोर नंबर पर भी आ रहा है, प्लस आपको बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा करके दे रहा है। बल्लेबाजी में तो ज्यादातर मैचेस में फ्लॉप ही हो रहा है, कोई भी ऐसा मैच नहीं गया जहां पर बल्लेबाजी में चलाओ, लेकिन आप बॉलिंग से देखोगे तो यहाँ पे इसको एक विकेट मिला, यहाँ पे यह फ्लॉप गया, यहाँ पर भी इसको एक विकेट मिला हुआ, यहाँ पे यह फ्लॉप गया, यहाँ पर भी इसको एक विकेट मिल गया, यानी कि बल्लेबाजी और यहाँ पर भी इसको एक विकेट मिल गया, यानी कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज़ का मिला करके आपको 40 से लेकर के 50 के बीच हर मैच में पॉइंट्स दिला करके जा रहा है। मुन्ना रहमान जो कि निकोसिया टाइगर्स की टीम का एक समय का सबसे मेन ऑलराउंडर हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसका बल्लेबाजी क्रम नीचे कर दिया गया, 6 नंबर करीब, अब बॉलिंग से आपको दो ओवर पूरा कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नापा रॉयल किंग्स की टीम के खिलाफ इसने एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, यहाँ पर भी एवरेस्ट की टीम के खिलाफ एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, यानी कि पहले मैच तो एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, दूसरे में दो ओवर पूरा किया, तीसरे में फिर से इसने एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, चौथे में फिर से इसने दो ओवर बॉलिंग पूरा किया। यानी कि अगर इसको बॉलिंग करने का मौका मिलेगा ना तो बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा बॉलिंग करके देगा, लेकिन अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो क्या कर पाएगा, क्योंकि बल्लेबाजी में तो काफ़ी नीचे आएगा। अगर सैयद तनवीर को प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा तो बिना कुछ भी सोचे आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम में भी लेकर के चलना है और जीएल यानी कि ग्रैंड लीग की टीम में भी लेकर के चलना है, क्योंकि सैयद तनवीर ने ना कल के मैच में काफ़ी अच्छा विनिंग कराया हुआ, एक नहीं दो बार विनिंग कराया हुआ, यहाँ पर भी इसने अच्छा किया हुआ है, यहाँ पर भी इसने अच्छा किया हुआ है। सैयद तनवीर एक ऐसा प्लेयर जो कि बल्लेबाजी में भी फोर पे आ जाएगा, प्लस आपको बॉलिंग से भी एक से दो ओवर पूरा करके देने वाला है। तो प्लेयर में आपको बल्लेबाजी में भी रन बना करके दे सकते हैं, बॉलिंग से भी आपको अच्छा करके दे सकते हैं, बाकी यहाँ से कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं है। अगर सैयद तनवीर खेल रहा होगा तो आप पाँचवा ऑलराउंडर इसको लेकर के चल सकते हो, क्योंकि गणदीप सिंह बिल्कुल भी सही प्लेयर नहीं है। अगर आप डी 11 आपका खेल रहे हो जहाँ आप दो ऑलराउंडर दो बल्लेबाजों को लेकर के चल पाओ, या फिर एक ही बल्लेबाज, या फिर आप 11 चले जाए फ्लैक्सी मोड के ऊपर खेल रहे हो जहाँ आप सेम 11 जैसी टीम बना करके खेल सकते हो 11 चैलेंजर्स के फ्लैक्सी मोड के ऊपर, तो आप गणदीप सिंह को ना लेकर के पांचों ऑलराउंडर्स को लेकर के चलना। वहीं अगर आप किसी ऐसे आपको खेल रहे हो जहां पे आप चार ही ऑलराउंडर्स को मैक्सिमम ले सकते हो तो सैयद तनवीर अभी तो प्लेइंग 11 में है नहीं, आखिरी मैच है तो अभी कोई ज्यादा सवाल नहीं बन रहा है, लेकिन अगर प्लेइंग 11 में ये आ जाएगा ना तो आपको हरदीप सिंह और मुन्ना रहमान में से किसी को निकालना होगा। अगर निकोसिया टाइगर्स की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो हरदीप सिंह को आप निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि मुन्ना रहमान के ऊपर रिस्क लेना, क्योंकि पहले मैच में बॉलिंग नहीं किया हुआ है, दूसरे मैच में किया, तीसरे में नहीं किया हुआ,
हुआ चौथे में किया हुआ है, तो हो सकता है कि आपके लिए ना करे आखिरी मैच नापा रॉयल किंग्स के टीम के खिलाफ बॉलिंग नहीं भी किया हुआ है, तो मैं मुन्ना रहमान को ना लेकर के सैयद तनवीर को लेकर के चलूँगा। बॉलिंग ऑप्शन है सीधे सीधे यहाँ से एम अली हो गया, अली खान हो गया, एफ महमूद हो गया, यही तीनों को लेकर के चलूंगा। तीनों आपको बॉलिंग से दो दो ओवर पूरा करके देंगे। अली खान ने एक मैच बल्लेबाजी में भी तीसरे पे आएगा, मंजूर अली आपको बल्लेबाजी में भी सिक्स पे आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर मैचेस में अली खान बल्लेबाजी में सेवन पे आएगा। प्लेयर अच्छा आकर के दोनों मैचेस पर रन भी बना करके दिया हुआ है। अब बॉलिंग तो आपको दो दो ओवर पूरा करके दे ही दे रहा है, आप लिए काफ़ी अच्छा प्लेयर रहने वाला है जे हसन, जो कि निकोसिया टाइगर्स की टीम ओर से कप्तानी कर रहा है। बॉलिंग से आपको दो ओवर पूरा करके देने के चांसेस है, लेकिन आखिरी मैच एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, यहाँ पर इसने एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया। वो आखिरी के तीन मैचेस का मिला करके ना आखिरी के तीन मैचेस का मिला करके इसने सिर्फ एक ओवर बॉलिंग कर रखा है, जो कि नापा रॉयल किंग्स के खिलाफ है। बचे हुए तीनों ही मैचेस में फ्लॉप हुआ है, सिर्फ एक ओवर बॉलिंग करके। शुरू के यहां पे भी इस मैच लिमासोल के खिलाफ एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया हुआ था, यानी कि सिर्फ दो ही मैच ऐसा गया हुआ जहां इसने बॉलिंग कर रखा है, बाकी बचे हुए मैचेस में बॉलिंग नहीं कर रहा है तो लेकर के नहीं चल रहा। अब ग्यारहवां प्लेयर जो है ना मेरा, या फिर मैं जे हसन को रखूंगा, या फिर मैं यहां से तिया मिनुल को रखूंगा, या फिर मैं यहाँ से सैयद तनवीर को लेकर के चलूँगा, या फिर यहाँ से गंदीप सिंह को अगर मजबूरी है तो लेकर के चलने वाला। मान लो अगर आप डी इलेवन आपका ना खेल रहे हो, या हमारे इलेवन चल रही जैसे स्पोदेसी और कुबेरा ऐप के लिए टीम है, जहाँ पे आप दो ही बल्लेबाज को लेकर के काम चला पाओ, आप इसको ना लेकर के, या सैयद तनवीर अगर खेल रहे हो इसको ले लेना, या मिनुल खेल रहे हो इसको ले लूँगा, वरना फिर हमजा को लेकर के चलूँगा। मैं अभी टीम में कैप लेकर के चलने वाला सहरोन अहमद को, वी सी लेकर के चल रहा हूँ वाई महमूद को। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है। मान लो विद्यु की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो, या लाइन अप आने का, तो मुझे कोई भी चेंज करना होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी मैं स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक को क्लिक करोगे और फिर टच करोगे, आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को फ्री में पहुंच जाओगे। नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके लिए फ्री का लाल बटन है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत बोलना।